हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज यहाँ पे थर्सडे का दिन है और शाम हो गई थी। हम आए थे कॉस्को, इनका ऑफिस ख़त्म हो गया था, इनको कार में लेना था, गैस डलवाना था, तो हम कॉस्को से ही डलवाते हैं। कभी कल ऐसे हुआ तो इधर उधर से डलवा लिए, नहीं कॉस्को से ही डलवाते, वहाँ का अच्छा भी होता है और प्राइस भी कम होता है। तो कॉस्को यहाँ पे ना अमेरिका में होलसेल मार्केट है, यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। ऐसे जो अमेरिका में है उनको तो पता ही होगा, इंडिया से जो देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना दूध दही ये सारी चीज़ें कम प्राइस में मिलती है अदर मार्केट से। तो यहाँ पे मुझे दूध लेना था और गैस लेने आई ही थी, तो लगा कि दूध दही पनीर ये सब यहीं से ले लेते हैं। और मिट्टी भी लेनी थी, मिट्टी यहाँ पे सस्ती दिखी तो एक पैकेट मिट्टी ले लिए थे, क्योंकि कल मैं फूल लेके आई थी ना, उसको लगाने के लिए मिट्टी नहीं थे, पूरे नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो अभी बस घर पे आ गई हूँ, यहाँ पे सोच सामान ली हूँ वो दिखाती हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, बस पनीर और दूध दही लेना था, वो सब लिया था। और आते टाइम ना बहुत देर हो गई थी, क्योंकि शाम में गए थे, थोड़ा दूर भी है और मतलब घूमते फिरते सामान लेते टाइम हो ही गया था। तो आते टाइम वहाँ से ना ऐसे पिज़्ज़ा मिलता है, एक स्लाइस भी ले सकते हो, पूरा पिज़्ज़ा भी ले सकते हो, ऐसे करके आइसक्रीम वगैरह भी मिलती है। तो वहाँ से हमने बस एक एक पीस पिज़्ज़ा ले लिया था और आइसक्रीम ले लिया था। लगा था कि खा के फिर देखते हैं कि कुछ लगेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक पीस भी पिज़्ज़ा ना काफ़ी बड़ा देते हैं और पूरा चीज़ पिज़्ज़ा ही होता है तो पेट एकदम फुल हो जाता है। घर पे आने वहीं पे सोचा खा लेते, लेकिन कॉस्को 8:30 बजे बंद हो जाता है, तो मुझे लगा चलो घर पे लेके आते हैं, खाते हैं। तो ये हमारा रात का खाना हो गया, मैंने आने के बाद कुछ बनाया नहीं। और ये मैं थोड़े दिन पहले आपको पिछले वीडियो में शायद दिखाया होगा, ये मेरे पास ऐसे प्लाई है ढेर सारी, अभी मतलब 3-4-5 प्लाई ऐसे करके है। तो एक प्लाई का मैंने DIY बनाया था, जिस जो कि पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, और अभी बहुत सारे प्लाई अभी भी बचे हैं। तो मुझे लगा इस पे लाओ कुछ भी ऐसे पेंट वगैरह करके ना कहीं भी खड़ा कर दो, थोड़ा डेकोर टाइप हो जाएगा, और ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ है। तो ये मैं बैठ के खाना वाना हो गया था, कुछ ऐसा करना नहीं था, किचन वगैरह भी बहुत ज़्यादा साफ वाफ नहीं करना था, क्योंकि कुकिंग बहुत नहीं किया था। तो ये मैं कुछ भी ऐसे ही बना रही, मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस बैठ के लेके बैठ गई थी, थोड़ा बहुत ऐसे बनाया रात में मतलब। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जब भी कंप्लीट होगा ना तो शेयर करूंगी, इसको रूम में या बालकनी में कहीं भी डेकोर कर सकती हूँ। तो वो हो गई रात तक की, ये हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और कल जो मिट्टी लेके आए थे ना, और ये यहाँ पे मैं कुछ डब्बे दिखा रही हूँ, जो दही के डब्बे लेके आते हैं ना वो बचे रहते हैं, यहाँ पे देखो 2 दही के डब्बे बचे हुए हैं, और एक ये ऐसे गोला वाला प्लास्टिक वाला मेरे पास था, किस चीज़ का याद नहीं है, लेकिन ऐसी प्लास्टिक तो रहती है बड़ी वाली ना, फेंकती नहीं हूँ, रखे रहती हूँ, कुछ प्लांट लगाने के काम आ जाएंगे। ये मतलब गेंदे का फूल लेके आए थे, इसमें 8 पीस है, 4-4 का मतलब वो है। तो मुझे लगा सुबह हो गई है ना, तो लगा मिट्टी लेके आए, सबसे पहले ये काम कर लेती, तो सो के उठते जाए बस पिया, और ये सारा काम मिट्टी वाला काम फैलाओ ना, तो मतलब मैंने पूरे डब्बे खुच खुच के लाए। ये दूध का डब्बा है, मैंने दूध को कट कर दिया था, ये दूध का डब्बा है। तो यहाँ सारी मिट्टी मैंने फिर की, और फिर अभी बालकनी गंदी हुई है, बालकनी नहीं साफ़ किया, अंदर का साफ़ कर दिया है घर। और बस नहाने चली गई थी, नहा के आई, पूजा की। और ये मतलब फ्राइडे हो गया है या फिर सैटरडे का वीडियो है, याद नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद जब तक मैं नहा रही थी ना, पूजा वगैरह कर रही थी, तब तक ये पोहा बना दिए थे, आज बोले मैं पोहा बनाता हूँ। बेड वगैरह नहीं ठीक की थी, क्योंकि ये थोड़ा देर से उठे थे, मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे वो मिट्टी वगैरह सब सही करना था ना, तो फिर बेड नहीं तो उठते ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस बेडशीट वगैरह फोल्ड किया, और थोड़ा बहुत बेड मैंने चेंज किया है, वॉल के साइड था अभी बीच में रख दिया है। तो बस बेड वगैरह ठीक किया, यहाँ बैठ के नाश्ता करूँगी पोहा। और अभी ना यहाँ पर 11:30 ऐसे करके टाइम हो गया होगा, क्योंकि सैटरडे संडे देर से ही सो के उठना होता है। तो यहाँ पर बस ये चाय बनाया, उसके बाद में चाय एक बार सुबह पी लिए थे, बट पोहा खाए थे तो लग रहा था चाय पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे टीवी देखेंगे आराम से, चाय पीते हैं, और उसके बाद में ना बस बाहर निकल रहा थोड़ा, क्योंकि कुछ काम नहीं है ऐसे, तो लगा कि चलो घूम फिर के बाहर से आते हैं। ग्रॉसरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करनी है, हमें कुछ फर्नीचर लेने थे, तो वो मैं देखने के लिए सोचा एक दो स्टोर पर देख लेते हैं, फिर अगर नहीं समझेगा तो फिर ऑनलाइन करेंगे। तो वही लगा कि अभी टाइम है तो चलते हैं देख के आते हैं हम।
और घर पे आने के बाद में ना कपड़े में लगा के गई थी साफ होने के लिए, तो ये साफ हो गए थे। जब से हम लोग बाहर गए ना, तो आधे घंटे लगते हैं, 40 मिनट 50 मिनट, ऐसे टाइम अपने आप सेट कर सकते हो। ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा टाइम के लिए कर दो, तो मैंने 60 मिनट 50 मिनट ऐसे करके सेट किया था बीच वाला। और ये क्लीन हो गया था, तो मुझे लगा ड्रायर में डाल देती हूँ, घर पर आने के बाद मुझे लगा ड्रायर में डाल देती हूँ। और यहाँ पर ड्रायर में ना एक ऐसे ट्रे होता है, उसमें जाली लगी होती है, तो जो कपड़े एकदम ड्राई होते हैं ना, यहाँ पर कपड़े एकदम सूखे निकलते हैं, एकदम ड्राई निकलते हैं, तो उसके सारे जो ऐसे रुई वगैरह उड़ते हैं ना, तो ये जाली में आके यहाँ पे फंस जाते हैं। तो जब भी मतलब दूसरा लॉट लगाती हूँ ना कपड़ा, तो ये जाली हमेशा साफ़ कर दो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट हो जाता है और कपड़े में ही जाएगा वो सारा। तो बस वो मैंने ट्रे निकाल के साफ़ किया और यहाँ पे कपड़े लगा देती हूँ सूखने के लिए। और ये शाम का टाइम हो गया है इतना करते करते, और बस रात में जा रही थी खाना बनाने, और ये पुदीना जो लेके आए थे ना, बहुत अच्छा सा मतलब हो गया है, और नए नए ऐसे आ रही हैं पंखुड़ियाँ, एकदम लास्ट में नीचे देखेंगे तो नए नए पेड़ ऐसे बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये पकड़ लिया है अच्छे से, अभी पुदीना वाली चटनी बनाती हूँ। और ये ऐसे पुदीना घर में लगाए रहो ना, करी पत्ता हुआ, पुदीना हुआ, तो जब ज़रूरत है ना तब आप तोड़ लो चार पत्तियाँ। और वैसे ना पुदीना ये सारी चीज़ें पैकेट का जो लेके आओ ना, वो सूख जाता, अगर एक बार आप भी यूज़ किया फिर दूसरी तीसरी बार एकदम काला पड़ के फ्रिज में सूख जाता है। तो इसलिए मुझे दिखा था वो, तो मैंने ले लिया था, लगा दिया था। अभी पुदीना की चटनी बनाती हूँ, धनिया, पुदीना, टमाटर, 2 लहसुन, अदरक, मिर्ची, ब्लैक पेपर और ये सारी चीज़ें लेके, जीरा थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें लेके मिक्सर में पीस दिया है। अब थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा नींबू का रस डाल दूंगी, तो वो चटनी बन जाएगी। और साथ में आज सत्तू का पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता चॉप कर लिया था, सत्तू लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे, धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता, प्याज, और ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा आम का अचार का जो मसाला होता है ना वो डाला है, थोड़ी सी यहाँ पे मंगरेल डाल रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा अजवाइन को हाथ पे क्रश करके वो डाला है, और फिर इसके बाद नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद में ना नींबू का रस डाल दीजिए, नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा रहता है तो खट्टा अच्छा आता है। तो यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई आपको लगे, अगर आप बना रहे हो ना, तो थोड़ा ड्राई होता है सत्तू, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सोख लेती है, तो हल्का सा पानी ऊपर से दे सकते हो, हल्का सा एकदम पानी का 2-3 छींटा ऐसे दे के कर दोगे तो वो थोड़ा मतलब ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा गीला हो जाएगा, तो उससे आपको भरते बनता है ये ना, पराठे में ऐसे भरते बनता है। तो यहाँ पर बस एक एक करके पराठा बना ले रही हूँ, साथ में वही पुदीना की चटनी बनाई हूँ, उसके साथ ले लेंगे, लगेगा तो दही के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये पराठे एक एक करके सेल लेती हूँ, इसकी कचौरी भी बनाओ ना। यहाँ पे बाटी नहीं बना रहे क्योंकि अप्पम वाला जो वहाँ पे था ना, मैंने हटा दिया था, तो यहाँ पर अभी बाटी कभी नहीं बनाया, और अक्सर बाटी वहाँ बनाती थी, चोखा बाटी। तो यहाँ पे ये पराठा भी अच्छा ही आता है, कचौरी बना लो, पराठा बना लो, कुछ भी बना लो, सत्तू का अच्छा ही आता है। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे एक, तो मुझे लगा इनको दे देती हूँ, गरम गरम खाते रहते हैं, फिर उसके बाद में सेकती हूँ, तो फिर मैं लेके बैठती हूँ। और ये कास्ट आयरन में थोड़ा सा मोटा मोटा भी बनाती हूँ ना, तो लेकिन ये लोहे का है तो बहुत अच्छे से सेक जाता है। एक मैंने तवा लिया लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं आता, वो ऐसे ही रखा हुआ है, खराबी हो गया एक तरह से। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया, अपना कपड़ा चेंज किया, और यहाँ पर बस बर्तन सारा ना, सुबह का भी बर्तन हमने साफ़ नहीं किया था, ये जो पोहे वाली कढ़ाई है ना सुबह की है, तो बस सारा बर्तन साफ़ किया। एक बार मुझे लगा किचन क्लीन कर देती हूँ, ये सारा चीज़ें पराठा वाला अगर बनाओ ना तो ऑयल बहुत ज़्यादा होता उड़ता है। तो यहाँ पे बस गैस वगैरह साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, ऊपर का स्लैब साफ़ किया, नीचे का भी मुझे लगा झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह पोछा लगा दूंगी। अभी ज़्यादा सब सामान गिरा हुआ था तो मुझे लगा एक बार सारा मैट हटा के, मैंने झाड़ू लगा के फिर से मैट लगा दिया है, सुबह मतलब पोछा लगा दूंगी। तो झाड़ू लगा ही रही थी तो मुझे लगा ये मेन डोर की गैलरी थी, मेन डोर में भी लगा देती हूँ, डाइनिंग एरिया में भी एक बार लगा देती हूँ, सुबह फिर पोछा, हर जगह पोछा लगा दूंगी, सुबह इतना झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि रात हो गई, अभी चलना फिरना तो बिल्कुल होगा ही नहीं, बस आराम से टीवी देखेंगे उसके बाद सो जाएंगे, तो इसीलिए पोछा नहीं लगा रही, सुबह उठ के पोछा लगा दूंगी। और ये देखिए किचन सारा अच्छे से साफ हो गया है। तो ये थी मेरी रूटीन आज की और कल की। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।